एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉलर 222। और गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। जैसे कि मैं आजकल स्कूल खोलने की रिगार्डिंग वीडियोस ला रही हूँ, आप वो वीडियो पसंद भी बहुत कर रहे हैं और कई वीडियोस की डिमांड हो रही है कि स्कूल खोलने की रिगार्डिंग हमें और इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो उसी सीरीज़ को पूरा करते हुए आज की वीडियो भी हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल का ही पार्ट है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वो होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, वेलकम टू माई चैनल। आपको इस चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाती है। अगर आपका सपना है कि आप प्ले स्कूल खोले, बच्चों से जुड़ा कोई भी काम खोले, तो ये चैनल आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, अपना खुद का स्कूल खोल पाएँ या फिर बच्चों का डे बोर्डिंग, क्रैच, जो भी वर्क होता है छोटे बच्चों से रिलेटेड, तो इस चैनल पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसे आइडियाज़ भी मिलते हैं, अगर इफ़ यू आर अ मदर, आपका छोटा बच्चा है, आप किस तरीके से उन्हें पढ़ाएं, क्या क्या आपने सेट की हुई है, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट टॉपिक पे वीडियोस देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। गाइस, डू चेक दैट वीडियोस। आज की वीडियो की बात की जाए तो आज की वीडियो भी हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल पर है। आप डेली बेसिस में क्या क्या एक्टिविटीज करा सकते हैं, एक मैं को करिकुलम पे वीडियो पहले ला चुकी हूँ। वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो फेस्टिवल्स आते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो कैसे सेलिब्रेट करें। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जो डेली बेसिस पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप डेली बेसिस पे करवाएं और किस तरीके से उनकी पिक्स एंड फोटो पेरेंट्स को सेंड करें और सेंड करने का क्या मेथड होता है, पेरेंट्स को फोटो सेंड करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे खुल के। अगर तो देर ना करते शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। पहले मैं बात करूंगी कि छोटे बच्चों को डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ कराना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, एक्टिविटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है छोटे बच्चों का। अगर कोई काम आप कर रहे हैं और प्ले स्कूल अगर आप चला रहे हैं, तो स्टडीज़ के अलावा भी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चों की तरह, ये नहीं कि सिर्फ कॉपी या किताबों तक ही उनकी पढ़ाई सीमित हो, उनको हमें एक्स्ट्रा भी देना होता है ताकि उनकी सोशल हैबिट्स हो गई, उनकी जो पर्सनल हैबिट्स होगी, उनकी स्किल्स बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होती है छोटी छोटी। तो बात करते हैं पहली एक्टिविटी के बारे में। बड़ी फेमस एक्टिविटी है, मोस्ट ऑफ द प्ले स्कूल में ये करवाई जाती है, सर्कल टाइम। सर्कल टाइम, आप यह एक्टिविटी को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, मीन सर्कल वे में कुछ आप करवा रहे हैं। आप चाहे सर्कल बनाकर बच्चों को पोएम्स करवा सकते हैं, काउंटिंग करवा सकते हैं, और कुछ भी न्यू अगर बच्चों को करवाना है तो आप एक सर्कल में बैठ कर स्टडी करवा सकते हैं या फिर सर्कल सर्कल मूव करके बच्चों का हैंड पकड़ के, जैसे हैंड सबने एक दूसरे का पकड़ा हुआ है, और इस तरीके से आप राउंड एंड राउंड स्लो स्लो या मूव मूव, मतलब सर्कल वे को यूज़ करके आप डिफरेंट पोएम्स उनको याद करवाइए। बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एक जगह बैठ के लर्निंग की बजाय वो मूव करके लर्निंग बहुत जल्दी पसंद करते हैं। ठीक है, तो सर्कल आप एक्टिविटी इंक्लूड कीजिए, बहुत अच्छी लगती है, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की। एक्टिविटी की बात करें तो पपेट शो। पपेट शो भी आप डेली बेसिस पे करवा सकते हैं या ऑल्टरनेट डेज पे भी करवा सकते हैं। जैसे आपने कोई पपेट थिएटर रख लिया, उसमें हैंड्स पपेट भी आजकल DIY पपेट्स भी बन जाते हैं और पपेट्स मार्केट्स में भी मिलते हैं। आप पपेट्स का यूज़ करके स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। आप डेली बेसिस पे एक स्टोरी टेलिंग भी ज़रूर रखिए, आप उनको पपेट के थ्रू करवाइए या फिर अपने वीडियो के थ्रू, आपको जैसे मैंने वीडियोस का आइडियाज़ दिया था, बच्चों को वीडियो के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं या ऑडियो के थ्रू कुछ कहानी सुनाएं। तो आप पपेट को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट उनको स्टोरीज पोएम में यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टिप के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने स्कूल में आपको बताया था, डिफरेंट आप टॉय सेट रख सकते हैं या राइडिंग रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्पेस एरिया। आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह डेली बच्चों को ज़रूर करवाएं, एक ब्रेक बच्चों को दें, इसमें राइडिंग हो, स्विंग्स हो और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हो जो बच्चों के मार्केट में मिलते हैं, प्ले स्कूल के हिसाब से आप वो अपने स्कूल में रखें और बच्चों को डेली उनमें करवाइए। बात करूंगी कि आप डेली बेसिस पे बच्चों को ओरल वर्क ज़रूर करवाएं, मैं सुने अ से आम, काउंटिंग, राइमिंग और जो बेसिक्स बच्चों को आना चाहिए वो आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चे जितना स्कूल में करते हैं उतना घर नहीं कर पाते, मीन स्कूल में गैदरिंग ज़्यादा होती है, उनकी एज के बच्चे होते हैं, तो खेल खेल में बच्चे काफ़ी चीज़ सीख लेते हैं जो घर नहीं सीखते।
तो पेरेंट्स का एफर्ट्स यही रहता है कि स्कूल में डेली बेसिस पे काउंटिंग हो गया, अ से अंग हो गया, ए टू जेड हो गया, ये सब चीज़ कराई जाए। मैं आपको इसलिए इस ओरल बेसिस पे इसलिए भी कह रही हूँ, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा तो भूल गया, ठीक है, वो इसलिए भी होता है कि अगर डेली बेसिस से स्कूल में काउंटिंग या बेसिक चीज़ें आपने जो ओरल वर्क में कराई है वो रिविज़न नहीं होती तो बच्चा भूल जाता है, बच्चा छोटे होते हैं। आप डेली बेसिस पे उन्हें कराएंगे या फ्रिक्वेंटली लेवल पे भी आप करवाते रहेंगे तो पेरेंट्स भी सेटिस्फाई रहते हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चों को इतनी पोएम्स हैं या फिर बेसिक अल्फाबेटिक सॉन्ग है, ए टू जेड है, अ से अंग है, और बेसिक्स राइमिंग जो होती है वो बच्चों को काफ़ी आती है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी की बात की जाए तो डांस एंड जुम्बा क्लासेस भी आप अपने स्कूल में रखिए। बच्चे डांस है ये फिजिकल एक्टिविटी करके बहुत पसंद करते हैं, और छोटे बच्चों को डांस एंड मूवमेंट और जुम्बा क्लासेस हो गई है, योगा क्लासेस हो गई है, आप छोटे बच्चों को ज़रूर करवाएं और इससे बच्चे बहुत एंजॉय फील करते हैं। आप फ्रिक्वेंटली, ये तो कुछ एक्टिविटी रही जो आप डेली बेसिस पे करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने को करिकुलम एक्टिविटी वाली वीडियोस में सजेस्ट किया था, आप टाइम टू टाइम आफ्टर 15 डेज इन अ मंथ रेड डे, बैलून डे, कलर्स डे, और कोई इवेंट हो गया, ड्राइंग कंपटीशन हो गया, किड्स कंपटीशन हो गया, राइमिंग कंपटीशन हो गया, कुछ ऐसे ऐसे लिटिल लिटिल कंपटीशन जरूर रखिए गाइस। ये तो बात रही एक्टिविटीज़ की, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये एक्टिविटीज़ कराना क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इसका स्कूल के इसका प्ले स्कूल में क्या इम्पोर्टेंस होती है। देखिए, छोटे बच्चों को एक्टिविटी करवाएंगे तो इससे क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहले तो ये बात होती है कि पेरेंट्स बहुत लाइक करते हैं जिस भी प्ले स्कूल में इतनी सारी एक्टिविटी एक साथ होती है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए यही स्कूल देख रहा होता है कि वहाँ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो, डिफरेंट डिफरेंट वे में बच्चों को पढ़ाया जाए, सिंपल कॉपी पेन लेकर या फिर कुछ ऑडियो दिखाकर ही बच्चों को पढ़ाया नहीं जाए, डिफरेंट एक्टिविटी डिफरेंट टीचिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे मैंने इन एक्टिविटीज़ में डिस्कस किया है और प्रीवियस को करिकुलम एक्टिविटी भी आपके साथ डिस्कस करी हैं, इस तरीके से आप बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाएं और अपने स्कूल की जो रेपुटेशन है काफ़ी बढ़ाएं। क्यों, अब बात करते हैं कि ये एक्टिविटी करवा के आप पेरेंट्स को कैसे शो कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आप उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए, जो भी एक्टिविटीज़ आपने करवाई है इन अ डे, पूरे दिन में जो भी आपको लग रहा है फेमस एक्टिविटी हो गई, बच्चे खेलते हुए खाते हुए या फिर जो भी चीज़ इन्जॉय करें, आपको लग रहा है कि वाओ बच्चे किड्स आर एन्जॉइंग, आप उनकी पिक्स लीजिए। और पिक्स लेके आपने कहीं भी अपने स्कूल का सोशल मीडिया पे ऐप बनाया होगा, सोशल मीडिया पे पेज बनाया होगा, लाइक आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं या फिर फेसबुक पेज होता है, इंस्टा पेज होता है, या कोई भी आप पेज अगर कहीं भी बनाए स्कूल का जहाँ पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप इन पिक्चर्स को सेंड कीजिए ताकि वहाँ पेरेंट्स सभी पेरेंट्स देख पाएँ और देख पाएँ कि आपके स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। और यकीन मानिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप देखेंगे, पेरेंट्स देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि आपके स्कूल में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और इससे बेनिफिट ये भी होता है फेसबुक वगैरह पे जो अदर जो पेरेंट्स होते हैं, जो आपके स्कूल के स्टूडेंट जो जिनके बच्चे नहीं भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी आपके स्कूल का पेज देखते हैं, लाइक करते हैं और काफ़ी आपके स्कूल का ऐड हो जाता है कि यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, आपको ये एक्टिविटीज़ यूजफुल रखी होगी, क्योंकि गाइस देखिए, अगर आप प्ले स्कूल का काम कर रहे हैं तो ये एक्टिविटीज़ कराना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि इन्हीं एक्टिविटीज़ को आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल में कराई जाती है, फेसबुक वगैरह पे सेंड किया जाता है। तो आप भी इस तरीके से अपने स्कूल में एक्टिविटीज़ कराएंगे तो काफ़ी आपके स्कूल की रेपुटेशन बढ़ेगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को कराने में, तो मैं आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व करूँगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, और सभी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। पर उससे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है, तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाएं, ताकि आपको आइडिया हो कि इस चैनल पे आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है। तो गाइस टेक केयर, गुड बाय।